टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 18-22 जून के बीच साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। वही भारतीय कप्तान विराट कोहली के पास बतौर कप्तान पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान निकी पोटिंग के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है। जी हां दोस्तों, कोहली 41 शतक लगाकर पोटिंग के बराबर है। वही कोहली ने 200 मैचों में कप्तानी की है और 62.33 की औसत से 12,243 रन बनाए हैं, जबकि पोटिंग ने 45.54 की औसत से 15,440 रन बनाए हैं। उन्होंने अपना पिछला शतक 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ डे नाइट टेस्ट में लगाया था, तब भारतीय कप्तान ने 136 रन की पारी खेली थी। उसके बाद से शतक नहीं लगा पाए हैं। अगर कोहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शतक लगाते हैं तो ये उनके टेस्ट कैरियर का 28वां शतक होगा। इसके अलावा कोहली का नाम अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में 70 शतक दर्ज है। उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर 100 और पोटिंग 71 है। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वे न्यूजीलैंड के खिलाफ 2, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 और इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, लेकिन उनके बल्ले से शतक नहीं निकला है। अगर वो ऑल रिकॉर्ड की बात करें तो इस दौरान उन्होंने 17 T20, 15 वनडे और 60 टेस्ट मैच खेले हैं, यानी 39 इंटरनेशनल मैच हो चुके हैं और विराट के बल्ले से एक भी शतक नहीं आया है। पिछले शतक के बाद से विराट कोहली 1659 रन बना चुके हैं। T20 में 95 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की है और 21 शतक और 27 अर्धशतक लगाए हैं। वह शतक लगाने के मामले में बतौर कप्तान वनडे में भी रिकी पोटिंग से एक शतक ही पीछे है। पोटिंग ने 230 वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी की है और 22 सेंचुरी और 51 ऑफ सेंचुरी लगाई है। टेस्ट की बात की जाए तो विराट ने 60 मैचों में टीम की कप्तानी की है और 20 शतक लगाए हैं, जबकि पोटिंग ने 77 मैच में कप्तानी करते हुए 19 शतक लगाए हैं। टेस्ट में बतौर कप्तान से ज्यादा ग्रीम स्मिथ ने 25 शतक लगाए हैं।